बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खासकर करने के लिए ये भी एक बहुत मजेदार एक्टिविटी है। इसमें आपको करना क्या है कि थोड़ा सा मैं दूर हो जाता हूँ, बच्चे सामने बैठे होंगे सारे सारे एक साथ इसमें कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हाथों को ऐसे रखना है और इनको ऐसे चलाना है, इस तरीके से चलाना है। और बच्चों को ये कहना है कि वो आपकी कॉपी करें, मतलब आप अगर हाथ ऐसे चला रहे हैं तो वो भी अपने हाथों को इसी तरीके से चलाएं। ठीक है, ऐसा करते 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 जैसे ही 10-15 सेकंड वो इस तरीके से करने लगे तो आप या तो ओम बोल सकते हैं या कोई स्वर बोल सकते हैं, आ ई या ऊ, इस तरीके से आप कोई भी आवाज निकाल सकते हैं। किसी बच्चे का नाम भी आप अपनी कक्षा में से निकाल सकते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे का नाम राकेश है तो राकेश, है ना। तो इस तरीके से आपको ये एक काम तो ये करना है कि हाथों को इस तरीके से चलाना है, और दूसरा आपको अपने मुंह से कोई आवाज निकालनी है, कोई भी आवाज हो सकती है। और बच्चों को ये दोनों काम आपके साथ करने हैं कि उनको भी अपना हाथ इस तरीके से चलाना है और इसके अलावा उनको आवाज निकालनी है, जो आवाज आप निकाल रहे हैं। उसके बाद आपको ये कहना है उनसे कि जैसे ही आप हाथ रोकेंगे और जो वर्ड आप बोलेंगे, मतलब शरीर का कोई आप एक हिस्से का नाम लेंगे, या तो आप कान बोलेंगे या नाक बोलेंगे या मुंह बोलेंगे, आंख बोलेंगे, बाल बोलेंगे, गर्दन बोलेंगे, तो बच्चों को उसको सुन के क्या करना होगा, उसको छूना होगा, उसकी तरफ हाथ लेकर जाना होगा। अब यहाँ पे ट्रिक क्या होगी, आपको क्या करना है, मान लीजिए आप इस तरीके से कर रहे हैं ओम और आपने बोला आंख, ठीक है, तो आंख बोला तो आपने, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको आंख की तरफ नहीं जाना है, आपको आंख को नहीं छूना है। आप कान छू सकते हैं, आप मुंह छू सकते हैं, आप नाक छू सकते हैं। तो मैं एक बार आपको डेमो देता हूं कि क्या करना है। ओ नाक, तो नाक बोला आपने और छुआ क्या, कान। और देखेंगे आप कि बच्चे भी यही आपको कॉपी करने लगते हैं कि आपने इंस्ट्रक्शन यही दिया होगा कि जो आप बोलेंगे उसको छूना है, लेकिन उसकी जगह पे जो आप कर रहे होंगे बच्चे भी वही करने लगेंगे। थोड़ा उनको समय लगेगा एडजस्ट होने में, और 3-4 बार के बाद वो जो आप बोल रहे होंगे उसकी तरफ जाने लगेंगे।